तो दोस्तों हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि बरसात में गर्मा गर्म तवा पकौड़ा खाना बहुत अच्छा लगता है और बनाना बेहद आसान है। और जो सामग्री हमारी इसमें लगी सब घर में हम लोग के हर समय मौजूद होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने ये जो मिक्स दाल है इसमें मसूर है, चना है, उड़द है, मूंग है, सारी दालें इसमें मिक्स है। और ये दाल हमने इसको 3 से 4 घंटे पानी में रख के अच्छे से फुला दिया है। देख सकते हैं सारी दाल फूल गई है। और इसी दाल से हम बरसात में तवा पकौड़ा बनाएंगे बिल्कुल गर्मा गर्म। तो ये दाल तो बिल्कुल फूल चुकी है दोस्तों। अब इसको हमें करना क्या है कि इसको मिक्सर में पीस करके तैयार करना है। यहाँ पे हमने सारे दाल को छान करके और मिक्सर में डाल लिया है। और बहुत पानी डालकर नहीं पीसना है, इस दाल को हमें थोड़ा सूखा ही पीस करके तैयार कर। देख सकते हैं कि हमने इसको पीस करके तैयार कर लिया है, बिल्कुल सूखा पिसा है। अब इसको बर्तन में निकाल लेते हैं। अब इसमें कुछ सामग्री डालेंगे जिससे कि हमारा ये बरसात में बनने वाला टेस्टी पकौड़ा बहुत ही स्वादिष्ट बने। तो इसमें डालेंगे यहाँ पे हम थोड़ा सा धनिया पाउडर, और इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, इसके बाद डालेंगे होममेड घर का गरम मसाला जो हमने कूट करके तैयार करते सारे मसाले को वो, इसके बाद इसमें जाएगा काला नमक, इसके बाद इसमें हम लोग दोस्तों डालेंगे हींग। यहाँ पे हम डाल रहे हैं हींग, हींग से इसका स्वाद और भी बढ़िया आएगा। फिर इसमें खाने वाला नमक सफेद अपना स्वाद अनुसार, इसके बाद इसमें थोड़ा सा डालेंगे मीठा सोडा जिससे ये फ्लफी बने और बहुत स्वादिष्ट बने। तो ये इसमें गया एक चुटकी भर के मीठा हमारी प्याज। तो यहाँ पे हमने 2 बड़ी प्याज काट ली है। अगर प्याज खाते हैं तो डालिए, नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं, बिना प्याज के भी इसको बना सकते हैं। और जाएगी कटी हुई यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्च। सारी सामग्री को बढ़िया से मिला लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने पूरे दाल में सारी सामग्री को मिला लिया है। और दूसरी तरफ हमने तवे को गर्म होने के लिए रख दिया है। तो अब इसको चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने राई का तेल डाला है तवे पर और इसको अच्छे से हम लोग फैला लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने इस तेल को फैला लिया है। अब ये जो बेटर हमने तैयार किया है मिक्स दाल वाला, इसको हम लोग लेंगे हाथ पे। यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा ले लेंगे, आपको जितना छोटा बड़ा बनाना है इसका। पहले हल्का सा हाथ में पानी लगा लीजिए और बस उसको ऐसे करिए और हाथ पर ऐसे फैला करके इसकी टिक्की का साइज बनाएंगे। और अब इसको हम लोग अपने तवे पे डालेंगे। तो यहाँ पे हमने देखिए हमने तवे पे डाल दिया है और ये बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत बढ़िया बनता है दोस्तों। हम लोग के गांव में तो जो दाल लोग दरते थे उसकी जो छोटे छोटे टुकड़े दाल के जो कण हो जाते थे जैसे खुद्दी बोलते हैं हमको, उसको रख लेती थी हमारी जो कि आजी वगैरह है दादी वादी, वो रख लेती थी। और बरसात के समय में इसका ऐसे पकौड़ा बनाती थी, इसकी सब्जी बनाती थी और शाम के टाइम पर इसको खाते थे लोग। तो वही रेसिपी हम आपके लिए लाए हैं, ये तवा पकौड़ा। और ऐसे ही हम सारे टिक्की को डाल रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे से धीरे धीरे बन रहा है हमारा टिक्की। और इसको आप बहुत ज्यादा नहीं, 2 से 3 चम्मच ही तेल लगता है इसमें। और अब इसको धीरे से हम लोग साइड से पलटेंगे। दोस्तों इसको हम लोग बढ़िया से बीच से ऐसे उठा लेंगे, नीचे से सिक चुका है। और दूसरे साइड से इसको हम लोग हल्का सा पलटी कर देंगे। देखिए कितना सुंदर इसमें कलर आ रहा है ना, और उतना ही सुंदर खाने में लगेगा। और ऐसे ही हमें सारी टिक्कियों को पलट लेना है। फिर हम चम्मच से तेल ले रह करके और इसके तवे पे डाल देंगे चारों तरफ से। 3 से 4 चम्मच तेल डाल दीजिए और बहुत ही क्रिस्पी ये हमारा तवा पकौड़ा मिक्स दाल वाल बनकर तैयार होगा, एकदम से फूला फूला। और अब फिर इसका मीडियम आंच कर देते हैं जिससे कि ये अच्छे से बन जाए। तो अब इसको हम लोग इस साइड से भी पलट करके देख लेते हैं। देखिए ये कितना बढ़िया हमारा बन रहा है ना, और बिल्कुल तीखी चटनी के साथ, मीठी चटनी के साथ आप जैसे भी हो इस पकौड़े का आनंद ले सकते हैं दोस्तों। और देखिए दोनों साइड से हमारा पकौड़ा बन करके टिक्की पकौड़ा तवा वाला, मात्र 4 से 5 चम्मच तेल लगा है, इससे अधिक इसमें तेल नहीं लगा है। और कम तेल में हेल्दी हमारा नाश्ता बरसात वाला बिल्कुल कुरकुरा। यहाँ पे हमारा तवा पकौड़ा मिक्स दाल बिल्कुल रेडी है। और आप इसको गर्मा गर्म खाएं या ठंडा होने पे खाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, पर गर्मा गर्म इसको तुरंत हम लोग लेंगे प्लेट में और खाएंगे। तो यहाँ पे अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो
यहाँ पे हम अपना तवा पकौड़ा एकदम से गर्मा गर्म निकालेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा तवा पकौड़ा बिल्कुल गर्मा गर्म रेडी है। आप इसको सॉस के साथ खाइए, तीखी चटनी के साथ खाइए, एकदम से बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी। और खाने के बाद आप एक बार जरूर बनाना इसको पसंद करेंगे। तो आप लोग इसको जरूर बनाइएगा और खा करके कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो मिक्स दाल तवा पकौड़ा हमने बनाया आपको बताया कैसा लगा, हमारी वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, कमेंट करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।